नमस्कार, ऋषि अमृत बुटीक सेवा संस्थान से मैं गुरु जी गोविंद एक बार आपका स्वागत करता हूँ फिर से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औषधि जो अमृत तुल्य मानी जाती है। आज हम बात करेंगे गिलोय की। गिलोय का बेल नुमा एक पौधा होता है जिसकी बेल चलती है। इसके पत्ते आम के पत्ते के समान होते हैं और ये हरे कलर की बॉल होती है। इस बॉल में अगर हम बात करें तो ये सबसे अच्छी जो गिलोय मानी जाती है नीम के पेड़ में, जो इसकी बॉल लटकती हुई इस नीम पर चढ़ जाती है। नीम की चढ़ी जिसे हम गिलोय कहते हैं वो अति उत्तम मानी जाती है क्योंकि इसमें नीम का अंश आ जाता है। नीम एंटीबायोटिक है और गिलोय अमृत, जब ये दोनों मिल जाते हैं उसके साथ अगर हम इसका जो सेवन करते हैं नीम की चढ़ी हुई गिलोय का, तो वो अमृत तुल्य हो जाती है। अब गिलोय की हम बात करें तो गिलोय बहुत सारी बीमारियों में काम में आती है। बात रोग, गठिया रोग, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, टाइफाइड, बहुत सारे लोगों उसके हर मतलब बीमारी में औषधियों के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके प्रयोग की तो सेहत के साथ अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका रस निकाल के गिलोय का रस मिला के सेहत के साथ इसका सेवन करते हैं तो ये कफ का नाश करती है। घी के साथ अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये बात रोग में काम करती है, और शॉट के साथ इसका प्रयोग करें तो ये गठिया बांध का काम करती है। आज हम बात करेंगे टाइफाइड बुखार, शरीर में बुखार है या इम्यूनिटी सिस्टम जिनका कमजोर है उनके लिए हम आज इस औषधि के गुण के बारे में बात करेंगे। अगर किसी को शरीर में बुखार है, बुखार आता है जाता है फिर हो जाता है, ऐसे में गिलोय को हमें लेना है। कौन सी गिलोय? जो नीम पर चढ़ी हुई, उस गिलोय बहुत उत्तम मानी जाती है। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो ऐसे ही गिलोय का, जो नीम में चढ़ी हुई गिलोय होती थी उसको ढूंढ कर लाते थे और उसका प्रयोग कराते थे। उस गिलोय को लाना है 100 ग्राम गिलोय और एक गिलास या दो गिलास पानी, जितना गिलोय को पानी में डूब सके और दोगुना पानी लेना होता है। जब ये पानी आधा रह जाता है तब इसको पानी को छान लीजिए अच्छे से इस काढ़े को, और आधा गिलास सुबह आधा गिलास शाम को इसका सेवन करते तो बुखार टाइफाइड में इसका बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है और ये बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बुखार जैसी समस्याओं के लिए तो ये नीम की चढ़ी हुई ये गिलोय अमृत तुल्य है, बहुत आसानी से बुखार को समाप्त कर देती है। किसी व्यक्ति को सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, कब होती है ऐसा? जब थोड़ा सा भी मौसम में वातावरण में बदलाव आता है या सर्दी में गर्मी का मौसम हवा चलती तो उन अचानक बहुत सारी छींकने लगती, अचानक नाक से पानी बहने लगता है। ऐसे में क्या ये जो गिलोय है इसको हमें लेना है, इसका काढ़ा बनाना है और इसका सेवन करना है। दो टाइम सुबह शाम आधा आधा गिलास गिलोय का जो हम काढ़ा बना के पियेंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, और जो मौसम के हल्का फुल्का बदलने से हमें सर्दी होने लगती जिन्हें एलर्जी होती है उनके लिए रामबाण औषधि है।